फ्रेंड्स, जेके टायर के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आ गए और साल दर साल इस बार रिजल्ट को देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, क्वार्टर वन क्वार्टर जैसा सभी टायर कंपनियों ने रिजल्ट पोस्ट किया कि उसके मार्जिन रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से दबाव में देखने को मिल रहे थे, तो वैसा ही नतीजा इस बार जेके टायर ने पेश किया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस बार कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कराया। और अब बात करते हैं इसके कॉन्सोलिडेट रिजल्ट पर, तो आप यह देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल 1792 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी, जो कि इस साल 60% से ज़्यादा बढ़कर 2927 करोड़ पर आई। और इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 215 करोड़ था, उसके सामने इस बार 472 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया। तो यहाँ पर रेवेन्यू के फ्रंट पर और इसके अलावा ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और पिछले साल जो 47 करोड़ के आसपास का लॉस था, उसके सामने कंपनी ने 196 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले क्वार्टर में यानी कि 31/12/2020 वाले क्वार्टर में 2769 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन बढ़कर आई है, मगर आप प्रॉफिट देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले क्वार्टर में 230 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस बार 196 करोड़ है। यानी कि पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू कम थी, फिर भी इस क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट था। तो उसका मेन एक ही रीज़न है कि आप रॉ मटेरियल कॉस्ट में डिफरेंस देख सकते हो। पिछले क्वार्टर में 1597 करोड़ के आसपास की रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, जो कि इस बार 1839 करोड़ पर आई। यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी वजह से कंपनियों के मार्जिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े प्रेशर में दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर साल दर साल काफ़ी शानदार नतीजे हैं और देखते हैं इस रिजल्ट का क्या इफेक्ट आता है कल शेयर पर।